सॉरी सर, माफी चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कॉल को डिस्कनेक्ट करके दोबारा ट्राई कर लीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वॉइस इश्यू के कारण मैं फर्दर कस्टमर ने काट दिया, बोला आप ट्राई करो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। अरे भाई, कस्टमर ने काट दिया, मेरी साइड से थोड़ी होगा डिस्कनेक्ट यार, गजब है यार, मतलब कस्टमर क्या ही बताएं अब। सो हे गाइस, ये वीडियो आई डोंट नो कितने, आई थिंक आधा घंटे का या 40 मिनट का वीडियो बन सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, और कुछ घटनाएं, कुछ दुर्घटनाएं मेरे साथ में घटी हुई है रिसेंटली, तो उसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में जो है बात करी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और कोई भी आपके सवाल हो जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए हो या फिर मेरे पुराने वीडियो में कवर नहीं हुए हो, तो उन वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे Q&A वीडियो को चेकआउट जरूर करना, जो लाइव मैंने स्ट्रीमिंग कही थी, लाइव स्ट्रीमिंग जहां पर मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। हो सकता है कि आपके किसी सवालों को जवाब उस वीडियो में ऑलरेडी दे दिया हो, तो प्लीज गाइस मेरे पुराने वीडियो को जरूर देखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइव स्ट्रीमिंग है मेरी, जो लाइव Q&A वीडियो है, उनको जरूर देखना, और इस वीडियो को भी पूरा देखना, आधा अधूरा मत देखना, आधा अधूरा ही देखना है तो पूरा देखो ही मत, यहां से छोड़ के जा सकते हो, अब स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप यदि कंटिन्यूसली देखना चाहते हो, इस टाइम को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी आपके करियर में, आपकी लाइफ में, बहुत सारे सवालों के मैंने इसमें जवाब देने की कोशिश करी है, तो वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरे वीडियोस पर। एंड सेकंड थिंग ये कि हाल ही में मैं राजस्थान गया हुआ था, राजस्थान से आया एंड काफी ट्रेवल किया, तो उस वजह से जो है काफी थकान हो गई थी, उस वजह से मैं वीडियोस कुछ शूट नहीं कर पाया। तो ऑलरेडी जो आपने वीडियो देखे वो कुछ दिन पहले शूट किए गए थे, राजस्थान जाने से पहले, ठीक है। वेल, ये वीडियो जो मैं आज शूट कर रहा हूँ, आज तारीख हो रही है 9 जुलाई 2024, ठीक है, आज 9 जुलाई हो रही है, एंड अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। सो गाइस, देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सैलरी कितनी रहती है, ट्रेनिंग टाइम में सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हम मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करके चला सकते हैं। वेल, ये ऑलरेडी इन सवालों के जवाब मैं कई सारे वीडियो में दे सका हूँ। देखो, अब होता क्या है ना कि जैसे कि कोई सा भी मेरा वीडियो है, ठीक है, आप किसी भी व्यूअर ने देखा वीडियो एंड उसको उसका क्वेश्चन उस वीडियो में नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, कॉमेंट करेगा, बेसिकली उसने कॉमेंट किया। बट यदि मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूंगा, मैं मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैनल की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पर आप कोई सा भी वीडियो देखो, आपने पर्टिकुलर वीडियो देखा, वो वीडियो आपके क्वेश्चन के रिलेटेड है, लेट से वो अमेजन जॉब के रिलेटेड, आपने वीडियो देखा, अब आपको अमेजन जॉब के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो कि उस वीडियो में कवर नहीं हुआ, तो आप जाओ उसके चैनल पर देखो और भी वीडियो देखो यार, हो सकता है कि उसी टाइटल से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन हो उसी टाइटल से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाए, या फिर हो सकता है कि उसने Q&A वीडियो अपलोड किया हो। तो मैं यहाँ पर कहना यह चाह रहा हूँ कि आप एक वीडियो को देखकर ये जज मत करो कि आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है कि उसने ऑलरेडी ही आपके क्वेश्चन का आंसर कई सारे वीडियो में दे दिया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि उसके वीडियो को चेकआउट करो। सेकेंड थिंग ये थर्ड थिंग, हाँ, तो तीसरी बात ये कि मेरा मोबाइल जो है डेड हो गया था, बेसिकली जब मैं राजस्थान से आया, सुबह उठा अगले दिन 8 तारीख को, जैसे कि मैं सैटरडे को आ गया था, शनिवार को आ गया था, रविवार को सुबह जैसे ही उठा, मेरे मोबाइल की डिस्प्ले गायब, डिस्प्ले मतलब चली गई, मतलब एक्चुअली क्या हुआ, मोबाइल में चालू था, मैंने टाइम देखा सुबह सुबह चाय, कैजुअली मैं जो मेरा एजुअल मतलब एस यूजुअल जो टाइम देता है, मैं सुबह उठता हूँ, चाय लाता हूँ, चाय का कप लाता हूँ एंड मेरा मोबाइल लेता हूँ मैं एंड टाइम देखता हूँ एंड यूज करता हूँ मोबाइल एस यूजुअल। तो मैंने जैसे ही फिंगरप्रिंट अनलॉक किया मेरा मोबाइल, ये K20 Pro है, रेडमी K20 Pro, 5 साल हो गए इसको, 5 सालों में इसने मेरे को ऐसा नहीं कहा मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, मतलब मेरे को रिपेयरिंग सेंटर ले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आई 5 सालों में। बट हुआ क्या, एक्चुअली संडे सुबह को जैसे ही मैं उठा, फिंगरप्रिंट अनलॉक किया, डिवाइस एकदम से मेरा जो ये मतलब स्क्रीन है वो ब्लू हो गई एंड देन ब्लैक हो गई। मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो इशू हुआ है, मैंने बंद चालू करने का कोशिश किया, क्योंकि अब मोबाइल डिस्प्ले चली गया, मेरे को बंद कैसे करूंगा मैं, हालांकि मैं एक टेकी हूं, मुझे प्रोसेस पता है, मैंने तीनों बटन को एक साथ में प्रेस किया तब जाके वो रिबूट हुआ, बंद चालू भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैंने फुल चार्ज भी किया, चावल में भी रखा, मैंने जो चावल राइस होते उसमें रख के आप मतलब पानी सुखा देते, हालांकि ये पानी में गिरा नहीं था, बट माइट भी हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ हुआ हो, तो मैंने वो भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब ट्राई करने के बाद में मेरे दोस्तों से बात करी, उसने कहा कि डिस्प्ले चली गई है, मैंने कॉल किया, मेरे फोन पर कॉल भी आ रहे थे एंड मैं बात भी कर पा रहा था, टच भी वर्क कर रहा था, लेकिन डिस्प्ले मतलब दिख नहीं रहा था, बाकी सब कुछ वर्क कर रहा था। अब मेरा सारा काम रुक गया, संडे पूरा दिन मैंने ऐसे गुजारा है पूछो मत, क्योंकि मेरा MI का मोबाइल है, मेरे को MI के जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वहां पर मेरे को जाना था, इंदौर यहां से 100 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, तो मेरे को मालूम था कि मेरे को MI के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे इसको जाना पड़ेगा, रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, आई डोंट नो कितना अमाउंट लगेगा, मुझे उस टाइम पर कोई आइडिया नहीं था, मैंने ये 4-5 हजार 3-4 हजार का आइडिया लगाया था कि इतने में ओरिजिनल डिस्प्ले डलेगी इसकी। अब संडे मैंने जैसे तैसे गुजारा, मंडे को मैं गया अगले दिन सुबह से, गया वहां पे 10 बजे पहुंच गया, ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे गया, उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया, ये रेडमी K20 Pro 5 साल हो गए इसको, इस मॉडल का उनके पास में फोल्डर नहीं था, फोल्डर कहने का मतलब कि ये जो डलता है ना, ये जो डिस्प्ले वगैरह रहती है, टच वगैरह रहती है, वो एक कंप्लीट फोल्डर रहता है, तो उन्होंने बोला कि इसके एक्सेसरी हमारे पास में नहीं है, उन्होंने डिनाई कर दिया, मतलब किसी भी MI के सर्विस सेंटर पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 साल हो गए इसको, ऑब्वियस सी बात है।
फिर मेरे पास में दूसरा ऑप्शन ये था कि या तो मैं नया मोबाइल खरीदूं जिसका मेरे पास में पैसे थे नहीं, फिर ऑप्शन एक ये था कि इसी मोबाइल को मैं कैसे भी रिपेयर कराऊं लोकल वेंडर से। तो मैं लोकल वेंडर के पास में गया, मैंने बोला भैया ऐसा इशू है, उसने बोला ठीक है मिल जाएगा। उसने मेरे को वो लोकल बताया फोल्डर एंड ओरिजिनल बताया, तो मैंने बोला ऑब्वियसली बात है मेरे को ओरिजिनल डलाना है, प्राइस मैटर नहीं करता, मेरे को ओरिजिनल चाहिए। उसने बोला ठीक है ओरिजिनल में ही फिंगरप्रिंट वर्क करता है, जो लोकल डिस्प्ले रहता है उसमें मतलब लोकल फोल्डर जो रहता है उसमें ये जो ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट रहता है वो वर्क नहीं करता। मैंने कहा मेरे को ओरिजिनल ही चाहिए सारा कुछ, इवन जो मेरे K20 Pro का जो बैकग्राउंड का ग्लास होता है ना, जो पीछे का ग्लास वो भी ब्रेक हो गया था, वो भी मैंने डला। तो इन टोटल मेरे को 7000 लगे, 7000 रुपए में मेरा मोबाइल जो है वापस कंप्लीट हुआ है नया। ऑल्दो इसमें भी टेप वगैरह लगी हुई है, मैं उसको कैसे बताऊं क्योंकि मेरे पास में दूसरा कैमरा नहीं है बताने के लिए, बट मैं बता दूं कि आपको पता होगा जब भी आप मोबाइल रिपेयर कराते हो तो रिपेयरिंग हो जाने के बाद में टेप वगैरह लगती है मोबाइल पे, तो टेप वगैरह जो है अभी भी राइट नाउ मेरे मोबाइल पे लगी हुई है, कल की मैंने अभी तक नहीं निकाला, ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गया है। ठीक है, तो 6:30 बजे कल 7 बजे मैं निकला था इंदौर से, मतलब सुबह गया था 7 बजे, शाम के 7 बज गए थे मेरे को, ऑलमोस्ट 12 घंटे लगे, मतलब 12 घंटे के अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगे जाने और आने में, और मोबाइल सुधरने में 8 घंटे, क्योंकि मैंने 10-11 बजे आई थिंक दे दिया था उनको और उन्होंने 6 बजे तक कंप्लीट किया था इसको, और 7 बजे मैं चला इंदौर से, तब जाके यहाँ पर 8:30 बजे 9:15 बजे में पहुंचा, लगभग 9 बजे घर पे पहुंचा, 2-2.5 घंटे का रास्ता रहता यार, और बारिश भी हो रही थी कल, तो फिर सो गया मैं, मतलब काफी थक गया था। अब राइट नाउ 6:30 बजे, आज 9 जुलाई हो रही है, शाम के 6:30 बजे मैंने कहा सही टाइम है वीडियो शूट करने का। ये चश्मा आप देख रहे हो गूगल्स, ये एक्चुअली मेरे कोई कंप्यूटर गूगल से नहीं है, कंप्यूटर गूगल तो ये वाले कंप्यूटर गूगल से आपने इन्होंने इन्हें देखा होगा। ठीक है, ये अपेल लेके है, आई डोंट नो क्या नाम है उस कंपनी का, तो उन्हीं का जो है मैं गूगल्स ये यूज करता हूँ। ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन ग्लास है, इससे क्या होता है कि आप कंप्यूटर मोबाइल टीवी वगैरह कुछ भी यूज करो जो इससे ब्लू लाइट एमिट होती है वो आपकी आपकी जो आंखें होती है उनको हार्म करती है, तो वो ब्लू लाइट इससे ब्लॉक हो जाती है, मतलब ब्लू लाइट आर पार नहीं होती, बाकी सारी लाइट जाएगी, क्योंकि लाइट जाना जरूरी है तभी तो आप कुछ देख पाओगे, तो ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देता, मतलब ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस है जो कि आपको यूज करना चाहिए यदि आप भी मेरी तरह कंप्यूटर वगैरह यूज करते हो। इवन ये फ्लिपकार्ट की जो जॉब है इसमें भी आप कंटिन्यूसली 8-9 घंटे के लिए लैपटॉप के सामने बैठे रहोगे, पीसी के सामने बैठे रहोगे एंड अटेंड करोगे, स्क्रीन को देखोगे, तो ये ग्लासेस यूज करना जरूरी है। आप ये प्रमोशनल वीडियो मत समझना गाइस, क्योंकि मेरे इतने कोई सब्सक्राइबर है नहीं कि मेरे को कोई ब्रांड जो है प्रमोट करने के लिए कोलैबोरेट करने के लिए कॉन्टेक्ट करे, मैं जस्ट एज यूजुअल बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस सेकेंड थिंग ये हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि मेरे मोबाइल में 7000 रुपए लगे, मेरे को काफी सदमा लगा, जो कि मेरे पास में थे नहीं, मैंने कर्जा लिया 7000 का एंड ऑल दैट थिंग, मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, वो बात हो गई। यहाँ पर बात है फ्लिपकार्ट जॉब की, तो आप में से कई सारे लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो देखो मैं बार बार लाइव स्ट्रीमिंग पर जाता हूँ, आपको पता है कि यहाँ पर वाईफाई सर्विस नहीं है, तो मैं मोबाइल नेटवर्क का ही यूज करता हूँ, तो मेरे पास में इतना डेटा नहीं आता है, और 25% हाइक हो गया प्राइस में आपको पता ही है, तो इतना डेटा मेरे पास में नहीं आता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकूं। कभी कभी क्या होता है कि डेटा देता है मेरे पास में, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करता हूँ, मोस्टली 1-1.5 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, और उसमें जितने हो सके उतने सवालों के जवाब देता हूँ, लेकिन कोई लाइव पे आता ही नहीं है, तो फिर मेरे को वीडियो बना के शूट करना पड़ता है। रात से जो VI का प्लान है मेरे पास में 12 से 6 अनलिमिटेड वाला रात को, तो मैं जितने भी मेरे वीडियो बनते हैं, जितने भी वीडियो वो चाहे 10 GB का हो 15 GB का हो, साइज मैटर नहीं करता, क्योंकि 12 से 6 मेरे पास में VI का अनलिमिटेड वाला प्लान रहता है, तो मैं 12 से 6 के बीच में वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। तो राइट नाउ ये वीडियो जो है मैं जो 9 जुलाई को शूट कर रहा हूँ, एंड अभी इस वीडियो में आप देखोगे मेरे को कॉल लेते हुए, कस्टमर से बात करते हुए। ठीक है, तो बस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत। सो गाइस वी आर बैक ब्रेक के बाद में, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार, फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको? सर मैं चेक कर लेता हूं। हेलो, अभी आ रही सर? अभी आ रही है? जी सर, जी जी बताइए सर। सॉरी सर, माफी चाहूंगा, मेरी साइड से कॉल बैक नहीं हो पाएगा। सर माइट भी कुछ इशू होगा सर, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। यदि वॉइस का ज्यादा इशू आ रहा है सर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कॉल को डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। जी हाँ सर, आपकी आवाज मुझे आ रही है।
जी, हाँ ओके सर, क्या है सर? व्हाइट कलर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? सॉरी सर, माफी चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कॉल को डिस्कनेक्ट करके दोबारा ट्राई कर लीजिए, से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वॉइस इश्यू के कारण मैं फर्दर कस्टमर ने काट दिया, बोला आप ट्राई करो, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। अरे भाई, कस्टमर ने काट दिया, मेरी साइड से थोड़ी होगा डिस्कनेक्ट यार, गजब है यार। मतलब कस्टमर क्या ही बताएं, अब गाना गा रहा था कॉल पर ऐसे कस्टमर कहाँ कहाँ से आते हैं यार। प्रोफेशनल कॉल है, उस पर गाना गा रहा था। क्या बता रहे हो सर? हेलो, हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप एरलमेटिक के बारे में? जी, एरलमेटिक के बारे में क्या बता रहे थे आप? हाँ, तीन पैकेट मिस थे, और एक तो कम्फर्ट चेक करना पड़ता है यार। म्यूट किया है तो कस्टमर का आवाज जा रही कि नहीं जा रही? ऐसा आपने कई जगह पर नोटिस किया होगा कि एक्चुअली क्या होता है कि कस्टमर की वॉइस मेरे को क्लियर नहीं आ रही, ठीक है, एंड मेरी वॉइस कस्टमर को क्लियर जा रही, ये होता है नेटवर्क इश्यू के कारण। तो आपको सजेस्ट करूंगा वाईफाई ही यूज करना, ब्रॉडबैंड यूज करना, अच्छा कनेक्शन। मैं मेरा मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर रहा था, इस वजह से मेरे को ये इशू आ रहा था। एंड ऑल दिस थिंग, आपको जब भी कस्टमर की वॉइस क्लियर ना आए तो आप कस्टमर को यही बोलिएगा, सर मैं माफी चाहूंगा, वॉइस इश्यू के कारण मैं फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा, एज पर प्रोटोकॉल आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी आप 5 या 10 मिनट के बाद में दोबारा कॉल बैक कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यदि वॉइस का इशू आ रहा है तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग मोस्टली हो जाती है। तो इसमें क्या है, आपको यही सलाह दी जाती है, आपको यही बोला जाएगा आपके सीनियर टीएल के द्वारा, आपके क्यूए के द्वारा, कि यदि कॉल में कोई भी इशू आ रहा है, वॉइस का इशू आ रहा है, वो चाहे आपकी साइड से हो या कस्टमर की साइड से हो, आप कस्टमर को सिंपली यही बोलिएगा, सर मैं माफी चाहूंगा, फर्दर मैं प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा। ये आपको बोलना पड़ेगा, चाहे वो कस्टमर को सुनाई दे या नहीं सुनाई दे, क्योंकि ये कॉल में रिकॉर्ड होता है। एंड क्यूए को जब कॉल सुनेगा तो क्यूए को पता रहना चाहिए कि आपने आपकी साइड से बोला था, ठीक है। कस्टमर को नहीं सुनाई दिया, वो उसकी गलती है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपने आपकी साइड से जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करने थे वो आपने किए, एंड आपको यही करना पड़ेगा। उसको लगना चाहिए कि होल्ड पर रखा है, वैसे अपन ने म्यूट किया हुआ है, अपनी आवाज उसको नहीं जा रही लेकिन उसकी आवाज अपने को आ रही है। बहुत स्टक होता है यार, बहुत स्टक होता है, क्या बताऊं, इतना स्टक होता है ना साला, दिन चक दिन चक दिन दिन चक दिन चक दिन। जी सर, जी होल्ड पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो लंबे होल्ड के लिए माफी चाहूंगा सर। हेलो जी सर, जी मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपने ना फोटो भी शेयर किया हुआ है, फोटो भी शेयर किया हुआ है आपने जी, तो आप बता रहे हो कि आपको 8 केजी मिलना था लेकिन सिर्फ 2 केजी मिला है जी। हाँ जी,
ओके। देखिए सर जी, मैं बताना चाहूंगा, जो रिटर्न आपने डाली ना, एक्चुअली वो एक रॉन्ग रीजन से डाली हुई है जी। तो इस रिटर्न को ना सर जी कैंसिल करना रहेगा पहले, और एक फ्रेश रिटर्न बनानी पड़ेगी सही रीजन के साथ में। सॉरी सर, माफी चाहूंगा, वॉइस का इशू आ रहा है। तो क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी, मैं ये बता रहा था कि जो रिक्वेस्ट आपने बनाई है, रिटर्न रिक्वेस्ट, वो गलत रीजन से बनाई है सर। एक्चुअली है ना, यहाँ पर रॉन्ग रीजन से आपने रिक्वेस्ट बनाई, तो इसको कैंसिल करना रहेगा सर पहले। इसको कैंसिल करके फ्रेश रिटर्न बनानी पड़ेगी सर। यदि आप अलाउ करो तो मैं आपके बिहाफ पर इस रिटर्न को पहले कैंसिल कर देता हूँ। यदि ये इसी टाइम पर कैंसिल हो जाती है तो मैं फ्रेश रिटर्न आपके बिहाफ पर बना दूंगा, बट यदि ये कैंसिल नहीं होती है सर, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि 72 घंटे तक का मैक्सिमम समय लगता है यदि ये कैंसिल रिक्वेस्टेड मोड में जा। नहीं, आपकी रिटर्न पॉलिसी का ऐसे समय की बात नहीं, आप उसके रिगार्डिंग चिंतित मत रहिए, घबराइए मत, क्योंकि आपने एक बार विद इन पॉलिसी जो है कॉन्टेक्ट किया है सर। आपने विद इन पॉलिसी एक बार कॉन्टेक्ट कर लिया, तो विद इन पॉलिसी, लाइक पॉलिसी खत्म हो जाने के बाद में भी आपकी हेल्प की जाएगी। जी देखिए, लेकिन आपके द्वारा भी जो रिटर्न बनाए गए ना, रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करी गई, वो गलत। हाँ, आपने डाल दिया है जी, लेकिन गलत। जी जी लाइन पर रहेगा सर। जी सर, समझ सकता हूँ सर, लेकिन देखिए रिटर्न तो वैसे आपकी भी रिक्वेस्ट हो गई है, लेकिन कंप्लेंट भी इसके लेट हुई है इसके रिगार्डिंग। तो एक तो ये है कि आप वेट कर लीजिए, 6 अक्टूबर तक का मैक्सिमम टाइम ये है, क्योंकि कंप्लेंट ऑलरेडी फॉरवर्डेड है और बैकेंड टीम जो है वे चेक कर रही है। तो बैकेंड टीम 6 अक्टूबर के पहले पहले बेस्ट आ जाएगा, टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी सामने से सर जी, सामने से आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा सर, टीम खुद आपको सामने से कॉन्टेक्ट करने का प्रयास करेगी आपको। कॉल काट दिया भाई, बेइज्जती कर दिया, क्या ही बताएं। ओ भाई, खाना ज्यादा खा लिया यार, ज्यादा हो गया भाई, इतना नहीं खाना था, ज्यादा ही खा लिया है। 12:22 हो रही है, लगभग 40 मिनट के आसपास बचे हुए हैं, 40 मिनट और बचे हुए, तब जाके मेरी शिफ्ट आज की खत्म होगी। चालीस मिनट के बाद में शिफ्ट खत्म होगी, शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद में फिर देखते हैं वीडियोस को डालेंगे। ये जो वीडियोस आप देख रहे हो, ये मैं 40 मिनट के बाद में ही डालूंगा, मतलब 40 मिनट के बाद में नहीं, उसके बाद में बहुत कुछ करना है मेरे को, क्योंकि सुबह का नहाया भी नहीं हूँ और ब्रश भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल नहीं किया ब्रश। क्या लग रहा है आपको, ब्रश कर लिया मैंने? नहीं किया, तो ब्रश भी करना है मेरे को। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। नहाना है, नहाएंगे, ब्रश कर लेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे खेत साइड जाने का इरादा है या फिर इन वीडियोस को अपलोड करेंगे, ये भी एक काम करना बाकी है। एक दिन हुआ क्या ना, मैं 1 घंटे लॉगिन पहले कर लेता हूँ, एक दिन में रात भर सोया नहीं, मेरे को नींद आई नहीं। अब मेरी शिफ्ट तो वैसे सुबह 6 बजे से 10 बजे की है, स्प्लिट में 4 घंटे सुबह, 4 5 घंटे शाम को। मैं सुबह 4 बजे से लॉगिन कर लिया, 4 बजे से पहले, ठीक है। अब मेरे को ऊपर से आरटीओ वाले का फोन, ऊपर से नहीं मतलब कंपनी में से आरटीओ वाले का फोन आ गया, जो ये हैंडल करते हैं ना कि कौन लॉगिन है कौन लॉगआउट है,
उनको पता चला कि ये आउट ऑफ शिफ्ट लॉग इन किया इसने, अर्ली लॉग इन किया। कॉल किया मेरे को, बोला शिफ्ट अब कब से है? मैं बोला कि 6 से है। नमस्कार, फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? हेलो जी साहिल जी, नाम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चेक कर पा रहा हूँ, हाल ही में आपने बर्थडे एनिवर्सरी डेकोरेशन बलून ऑर्डर किया हुआ है? बहुत स्टक हो रहा है यार, दिमाग खराब है इसके मारी, क्या बताएं आपको, क्या ही बताएं, दिमाग खराब कर रखा है इसने। मेरे कैमरे की क्वालिटी भी खराब हो गई। हेलो आवाज आ रही है सर? सर माफी चाहूंगा, माइट भी कुछ इश्यू होगा। जी सर मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपने हाल ही में बर्थडे एनिवर्सरी डेकोरेशन बलून ऑर्डर किया है? ओके सर, वॉइस का इश्यू आ रहा है। ओके आपसे रिक्वेस्ट है कि सर कॉल को डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। सॉरी सर मेरी साइड से नहीं हो पाएगा। हेलो सर मेरी साइड से नहीं हो पाएगा, रिक्वेस्ट रहेगी कॉल को डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, वॉइस का इशू आ रहा है। हेलो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी सर बताइए। हाँ क्या ऑप्शन आ रहा है आपको, आपको पे लेटर जब आप इनेबल कर रहे हो, आपका पे लेटर एक्टिवेट कर रहे हो तो? जी हाँ जी हाँ जी, और क्या लिखा आ रहा है वहां पे? हाँ जी सर जी, आप एलिजिबल नहीं हो अभी पे लेटर के लिए, पे लेटर के लिए एलिजिबल नहीं हो सर। देखिए सर आप डाल के चेकआउट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग में कुछ आपको जानकारी शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऐसी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। ऑल दो आपका अकाउंट है तो इसमें आपके ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सर, बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप आपके मोम डैड का अकाउंट है उनके डॉक्यूमेंट्स यूज करोगे तो। जी सर जी, तो अभी क्या है एक्चुअली पे लेटर की जो सर्विस है ना वो IDFC बैंक से कोलबरेट करके प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ पर IDFC बैंक की साइड से चेक किया जाता है कि क्या कस्टमर एलिजिबल है या फिर नहीं है। जी सर जी, तो अभी IDFC बैंक की साइड से चेक करके आपको यह बताया गया कि आप एलिजिबल नहीं हो अभी पे लेटर के लिए, फ्यूचर में ट्राई कीजिएगा सर। हेलो जी सर जी, और कोई सहायता कर सकता हूँ फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग आपकी?
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हो ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल मेरा, लेके ना तड़पाना, चुरा लिया, हाँ चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। पवो नमस्कार, फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ जी? जी, नाम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेक कर पा रहा हूँ, हाल ही में आपके अकाउंट से यहाँ से ब्लैक जीन्स ऑर्डर किया गया था मैम। हाँ 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 ओके जी। हाँ